परवेज मुशर्रफ ने लंदन में दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बुरा भला कहने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। कराची की महाजिर बरादरी उन्हें कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने मुतहदा के धड़ों में मुसालहत की पेशकश कर दी। सबसे पहले पाकिस्तान, जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ो, चाहे कहीं भी असेंबली में बैठा है, लंदन बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, अमरीका में बैठा है, उसको पकड़ना है हमने। वो अगर नहीं करेंगे, एक को पकड़ रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, कि दूसरे एक से डर रहे हैं, दूसरे से टार्जन बने हुए हैं, ये बैलेंस होना चाहिए। साबिक सदर ने कहा कि खारजा पॉलिसी ना होने से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। उन्होंने मशवरा दिया कि भारत में अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत की जाए, जबकि पाकिस्तान में भारतीय मुदाखिलत बंद करने के लिए मोदी को सख्त वार्निंग दी जाए। हिंदुस्तान को वार्निंग देनी चाहिए कि देखो बाज आ जाओ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं बाज आओगे तो हम करेंगे। ये वार्निंग उन्हें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कोई सर पे बहुत उछल रहे हैं, बहुत आसमान की तरफ जा रहे हैं। जरा उन्हें नीचे लाने की जरूरत है, और नीचे लाने का तरीका एक ही है, ईंट का जवाब पत्थर से। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे और सियासत में हिस्सा लेंगे।